तो कभी आवाज में तो कांग्रेस ही वो पता नहीं गांव में कहीं विकास हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। हुई और कांग्रेस में भी नहीं हुई है। अब मैं तो चाहता हूँ मैं चाहता हूँ आवागो नहीं। अब भाई सरकार जीत जाओ तो अच्छा आदमी है। ये जो खूबसूरत जगह आप देख रहे हैं ये है दूदू विधानसभा क्षेत्र और आज हम पहुंचे हैं दूदू विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जिसका नाम है उदयपुरिया। यहां हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से करेंगे सवाल जवाब, उनसे जानेंगे विधायकों का रिपोर्ट कार्ड और पूछेंगे कि किसको चुनना चाहती हैं वो अपना अगला विधायक। तो आइए चलते हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? नाम सुहा जी। तो क्या चल रहा है दूदू में, क्या चुनावी माहौल है? अब दूदू ये कहीं बताओ नहीं, मैं कहीं बताओ नहीं बताओगे आप यहाँ रहते हो तो माने कौन पता चुनाव भाई कहीं माहौल। किसकी सरकार चाहते हो यहाँ दूदू में? कौन है आप, किसकी सरकार चाहते हो? तो करिए आवाज, मैं तो कांग्रेस ही जाऊँ साहब बात चले। हाँ सीधी बात आ जाए। पहले काम वाम हुए हैं यहाँ पे बाबूलाल नागर जी थे? हाँ काम वाम हुआ है। विकास हुआ है कुछ? हाँ हुआ है। हुआ है हाँ। और अब क्या विकास की उम्मीद है? विकास की तो अब आगे से देखो, कहीं हम आ रहे हैं पूरे आगे से आ रहे हैं, ना सड़क है ना कुछ है, तो फिर क्या विकास हुआ है? क्यों विकास क्यों नहीं हो रहा? बड़े 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 नदी मोर आया वाला मोरा बंदा दिया अपने बांडिया के मान बांध ले गाँव तक, यहाँ तक आ रहा हूँ यहाँ तक भी कोई सड़क नहीं है। तो सड़क तो हो जाएगी, सड़क नहीं तो कहीं हो जाएगी कोई। यहाँ वैसे माहौल क्या चल रहा है, किसकी आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आ रही है? अजी सर आनी चाहिए, वो आपने अपना तो बता दिया, वैसे क्या लग रहा है? नहीं मैं तो कर जाऊँगी, तो मैं तो कांग्रेस ही जाऊँ। हाँ भाई क्या नाम है आपका? रमेश चौधरी। रमेश जी कहाँ के रहने वाले हो? उदयपुरिया के। उदयपुरिया के, तो क्या कुछ विकास हुआ है यहाँ दूदू विधानसभा क्षेत्र में? क्या हुआ, एक नाला दूदू से नाला बन गया, नाला नंदी और चारों पांच जेकम्बरा की सड़क ऐसे पड़ रही है, ये नानन की पड़ी है, जेकम्बरा बिंजोड़ा हो चारों पांच सड़कों ऐसी पड़ी है, कुछ नहीं हुआ विकास। तो किसकी सरकार चाहते हो फिर यहाँ? नहीं हुई है और कांग्रेस में भी नहीं हुई है। फिर किसकी सरकार चाहते हो जब दोनों में ही नहीं हुआ? हम तो निर्दलीय है यहाँ। हम तो आरएलपी की हनुमान भी आरएलपी के चाहते हो? हाँ है कोई आरएलपी प्रत्याशी? चेतन चौधरी। चेतन चौधरी है, तो क्या लग रहा है उनके क्या समीकरण बैठ रहे हैं? वो कौन लड़ रही है दूसरे जो हनुमान भैरव वो लड़ रही है। आरएलपी से कौन प्रत्याशी है? हनुमान भैरव। आरएलपी से हनुमान भैरव है? हाँ। क्या समीकरण बैठ रहे हैं वही पूछ रहा हूँ। वो बीजेपी में हनुमान भैरव? नहीं नहीं आरएलपी में, तो भाई साहब आरएलपी से लड़ रहे हैं ना प्रत्याशी है। आ, आ, तो क्या समीकरण है उनके, क्या लग रहा है? बढ़िया ही है। बढ़िया है। बाबूलाल नागर जी ने कोई काम नहीं किया इस बार? किया है। किया है तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कहीं, कौन दिक्कत कहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है चाचा आपका? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जी क्या लग रहा है यहाँ दूदू विधानसभा क्षेत्र में, क्या चुनावी समीकरण? ये मामला हमको पता नहीं है। पता ही नहीं है, तो किसकी सरकार चाह रहे हो? अब सब की सरकार है, अपन सबकी सरकार है, तो वोट किसको दोगे फिर? दे देंगे आएगी जब सिटी में, अपने आप दे दोगे। तो सरकार कोई विकास हुआ है नहीं हुआ है क्या है? मैं गांव में रहता नहीं। गांव में नहीं रहते? अच्छा तो इस गांव के नहीं हो गया? नहीं है तो गांव के। वोट कहाँ का लगता है? तो फिर विकास कहाँ चाहोगे? विकास तो गांव में ही चाहेंगे फिर, पर वो पता नहीं गांव में कहीं विकास हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा, मैं कैसे बता सकता हूँ? लोगों के बीच उठते हो बैठते हो तो कुछ तो पता तो होगा। चलो चाचा को पता नहीं है कि गांव में क्या विकास हो रहा है। हाँ जी क्या नाम है? तो जी गोपाल। गोपाल जी क्या लग रहा है, क्या चुनावी समीकरण? बहुत बढ़िया चल रहा है। किसकी सरकार ला रहे हो? अब सरकार तो देखो साहब किसी की आ जाए की टक्कर से, आटे की टक्कर है। तो बाबूलाल जी ने कुछ किया है विकास यहाँ पे? विकास तो विकास के नाम पे अगर बात करें तो हम वहाँ दूदू से आ रहे हैं, यहाँ कोई ना तो सड़क है ना कुछ है, तो किस बात का विकास किया? सड़क तो है अजी, पुलिया बन गई साहब, बन गई 30 साल से, 12 दो पुलिया बहुत मंडा जैसे। आप किसकी तरफ हो, किसको वोट दोगे? अब देखो साहब वोट तो ये मत से जो कितनी भी दे सके। सरकार किसकी चाहते हो? सरकार किसकी चाहते हो, क्या लग रहा है, क्या रुझान है? अब सत्ता का नाम जी मधु नागर ने दूला नागर को दोगे। और राजस्थान में किसकी सरकार चाहते हो? है? राजस्थान में किसकी सरकार चाहते हो? अब राजस्थान में तो 5 साल बदले तो बीजेपी की आवली, बीजेपी की आएगी वो अलग है। आप किसकी चाहते हो? अब मैं तो चाहता हूँ मैं चाहता हूँ आप कौन किसकी चाहते हो? तो मैं तो कहते भाई कांग्रेस की आ जा, कांग्रेस की आ जाए। ठीक है आपका क्या नाम है? खाना राम। क्या लग रहा है, क्या समीकरण है? चौके हैं। तो सरकार किसकी आ रही है यहाँ पे दूदू विधानसभा? ये तो बीजेपी की सरकार, थोड़ा दूदू विधानसभा क्षेत्र में किसकी है? बीजेपी की है। तो नागर जी ने कोई विकास नहीं किया? नागर जी विकास करे चाहे नगर बन भाई आ रहा था मोबाइल भाई संसार पर माँ पर प्रजा पर से प्रजा पर से माँ के बात थोड़ी। अच्छा आपका क्या नाम है? वोट पर नागर का 10-20 वोट हम कहीं बताए। अच्छा
तो पिछली बार वो निर्दलीय जीते, इस बार कांग्रेस से टिकट मिला है, तो क्या लगता है क्या नहीं बैठेगा? नहीं, जब तुम्हें साथ चाहिए। अब साथ क्यों नहीं हो? अभी साथ ही अपन दड़ो बात। आप ही कह रहे हो कि बीजेपी की सरकार आएगी? माहौल ज्यादा भी को देख रहे। आपका क्या नाम है? रामजून चौधरी। क्या लग रहा है चौधरी जी, बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। नागर जी ने कुछ विकास किया है कि नहीं? विकास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक पुलिया बनाई थी, वो भी बारिश नहीं आई। बनना पिछली बार तो आप लोगों ने उनको निर्दलीय जिताया है। पिछली बार तो वो बेनीवाल की वजह से वोट बट गए हमारे। तो आप क्या लग रहा है? हमको बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। और आप क्या चाहते हो, किसकी सरकार है? बीजेपी की। और राजस्थान में? बीजेपी। आपका क्या नाम है? इमराज चौधरी। बीजेपी सरकार। बीजेपी की सरकार। तो बाबूलाल जी ने कोई काम नहीं किया? नहीं करवाया कोई काम। विकास के काम पे कुछ नहीं है, तो बीजेपी की आई। यहाँ क्या लग रहे हैं आपको? दूदू विधानसभा क्षेत्र में आप रहते हो, इधर घूमते हो, तो क्या समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं जैसे कि बराबरी की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, तो ऐसा है क्या? कांटे की टक्कर है। तो फिर बीजेपी कैसे आएगी, क्या लग रहा है? बीजेपी तो आएगी ना, जो बोल रहा है जो बीजेपी में वोट देंगे बस। क्या नाम है काकी आपका? कमला। कमला जी, क्या लग रहा है यहाँ, क्या समीकरण है? बता दो भाई, कौन की किसकी सरकार चाहते हो? बीजेपी। बीजेपी की। तो बीजेपी ने किया है क्या कुछ महिलाओं के लिए? नागर जी ने कुछ किया है महिलाओं के लिए? नहीं किया। और बीजेपी से क्या उम्मीद करते हो? अब भाई सरकार जीत जाओ तो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है, तो उम्मीद क्या करते हो? मोदी अच्छा आदमी है कि आपके जो कैंडिडेट है वो अच्छा आदमी है? वो अच्छा आदमी है। कौन? प्रेमचंद जी अच्छे आदमी है। तो उनसे क्या उम्मीद करते हो, महिलाओं के लिए क्या कुछ कार्य करें? अब आगे जाके कर देगा कुछ। आप क्या चाहते हो? मैं तो कहीं कुछ ही नहीं चाहते। काकी तो देखो कुछ नहीं चाहती, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? ममता। ममता जी, क्या लग रहा है, क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं क्या अब तक? हो गया, नागर साहब ने सब कुछ करवा दिया है। नागर साहब ने सब कुछ करवाया है, बना दिया। आपको मिल रहे हैं फायदे? मिल रहे हैं फायदे? मिल रहे हैं। हम तो नागर साहब को देंगे। नागर साहब को ही दोगे? और यहाँ लग क्या रहा है कि कौन जीतेगा? अब पता नहीं कौन जीतेगा। ये भी तो आप कह रहे हो, इनको भी तो बोलने दो। हमारे लिए तो कांग्रेस ही जीतनी चाहिए। हाँ, तो राजस्थान में किसकी सरकार चाह रहे हो? अब पता नहीं, मैं तो कांग्रेस की चाहते हैं। लग रहा है कांग्रेस आ जाएगी इस बार, रिपीट कर जाएगी? हमारे लिए तो आइए भाई, आ जाएगी। तो आपने देखा, ये थी दूदू विधानसभा क्षेत्र की जनता, जिन्होंने बताया कि टक्कर कांटे की होने वाली है, जहां एक तरफ बाबूलाल नागर कांग्रेस से प्रत्याशी है और वही पिछली बार निर्दलीय विजय रहे थे और इस बार कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। तो दूसरी ओर प्रेमचंद बैरवा जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो अब देखना ये होगा कि कौन विजयी होता है, और ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहें चुनावी नगरी के साथ, मिलते हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र में। नमस्कार।